पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का राज्य सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से कहीं आंदोलन तो कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यवतमाल जिले के दिगरा शहर में जारी विरोध प्रदर्शन में काबिले तारीफ और बेहद अनोखा मालूम होता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ सरकार की नीतियों का ना सिर्फ औपचारिक रूप से विरोध किया जा रहा है बल्कि इस आंदोलन में शामिल दिवस शिक्षक और कर्मचारी अपनी प्रतिभा के जरिए बेहतरीन तरीके से पुरानी पेंशन का सृजनशील तरीके से समर्थन करते हुए अपनी कला के जरिए केंद्र और राज्य की सरकारों को आड़े हाथों ले रहे हैं। यहां पेंशन से अध्यापक और दिग्रस का नाम देश भर में रोशन करने वाले जाने माने हास्य कवि कपिल जैन ने अपनी काव्य प्रतिभा से पुरानी पेंशन पर कविता प्रस्तुत कर सरकार की दमनकारी नीतियों की कलई खोल दी है। शिक्षक और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग पर आधारित उनकी यह प्रस्तुति न सिर्फ वर्तमान स्थिति के मद्देनजर प्रासंगिक मालूम होती है बल्कि यह काव्य रचना शिक्षक और कर्मचारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के उदासीन रवैये पर भी प्रहार करती है। आइए सुनते हैं। सुन ले जरा ओ तेरे हम मांग रहे हैं, अब देखते हैं पेंशन कैसे नहीं देता, अब देखते हैं पेंशन कैसे नहीं देता, हम भीख नहीं तुझसे हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं तुझसे हक मांग रहे हैं, जुल्मों को तेरे सहने को मजबूर नहीं है, जुल्मों को तेरे सहने को मजबूर नहीं है, कर्मचारी है दिहाड़ी मजदूर नहीं है, जुल्मों को तेरे सहने को मजबूर नहीं है, कर्मचारी है दिहाड़ी मजबूर नहीं है, अमरावती और नागपुर तो सिर्फ है जाति, अमरावती और नागपुर तो सिर्फ है जाति, हम चाहे तो दिल्ली भी हमसे दूर नहीं है, हम चाहे तो दिल्ली भी हमसे दूर नहीं है, कब दिल का दर्द आंख का पानी तू लिखेगा, कब दिल का दर्द आंख का पानी तू लिखेगा, निजीकरण की झूठी कहानी तू लिखेगा, कब दिल का दर्द आंख का पानी तू लिखेगा, निजीकरण की झूठी कहानी तू लिखेगा, लिखने को कहा जाए कौन अपने है तेरे, लिखने को कहा जाए कौन अपने है तेरे, मालूम है अंबानी और अदानी लिखेगा, मालूम है अंबानी और अदानी लिखेगा, मालूम है अंबानी और अदानी लिखेगा, अच्छे दिनों के जुमलों में अब हम ना आएंगे, अच्छे दिनों के जुमलों में अब हम ना आएंगे, अच्छे दिनों को खुद के ही दम पे लाएंगे, अच्छे दिनों को खुद के ही दम पे लाएंगे, एक इसमें अगर पेंशन हमको नहीं मिली, एक इसमें अगर पेंशन हमको नहीं मिली, चौबीस में तुझको गद्दी से नीचे उतारेंगे, चौबीस में तुझको गद्दी से नीचे उतारेंगे, चौबीस में तुझको गद्दी से नीचे उतारेंगे। NBCN News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।